हरियाणा वियर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने आईएमटी के उद्योगपतियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की, जिसमें उद्योगपतियों ने जो समस्याएं उनके सामने रखी उन्हें जल्द मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कर समाधान करने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सेलजा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में नौकरियां केवल पैसे वालों को मिलती थी, लेकिन मनोहर लाल के राज में योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है और जब भी पेपर लीक हुआ है तो तुरंत प्रभाव से उसको कैंसिल भी किया गया। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के साथ बैठक में आईएमटी में सड़कें, बिजली, पानी की समस्याओं का मुद्दा सीएम के सामने रखने की बात कही। ये एचएसआईडीसी में जितने जो हमारी ये कंपनी है, जो कंपनी मालिक है, उद्योगपति हैं, उनके साथ आज हमारी बैठक हुई है यहाँ के विकास को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर, कुछ अनाउंसमेंट के भी मुद्दे हैं और अन्य भी बातें हैं तो उनको लेकर के कुछ चर्चा हुई है। तो इन सभी को मेरे पास आना था, लेकिन मैंने कहा भाई मैं आप लोगों के साथ ही बैठ करके और आपकी बातों को सुनूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। तो कोरोना के काल में भी जैसे सड़कों की आपने देखी है बाहर की, वो अच्छी नहीं है और वो मेरे भी संज्ञान में है, ऑलरेडी मैं इसका मुद्दा भी उठा चुका हूँ। और इसके साथ साथ एक मदर यूनिट जो फरीदाबाद में या पलवल में होनी चाहिए, उसकी भी एक बहुत आवश्यकता हमारे इस जिले को है, दोनों जिलों में कहीं भी हो जाए, ताकि उद्योगपतियों को जो बाहर से सामान मंगाना ले जाना उसकी सहूलियत हो जाए। और इससे क्या है कि एक अच्छा बूम उद्योगपतियों में आएगा, फैक्ट्री वाले अगर अच्छा कमाएंगे तो सरकार को भी जो आमदनी है, जो टैक्स है, उसमें बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। सबसे पहले तो विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उनसे टाइम लिया था कि हम आपके ऑफिस में आके मिलना चाहते हैं, उन्होंने बोला आप मेरे पास मत आओ, मैं आपके पास आऊँगा। तो हमने आज कुछ हमारी समस्याएं थी, जैसे यहाँ पे बिजली की समस्या चल रही है कि यहाँ के दो सबस्टेशन जो है वो ओवरलोड हो गए हैं और बाकी के हालांकि चार सबस्टेशन पे थोड़ा लोड कम है, तो उसके लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बजट एमडी साहब को एचएसआईडीसी भेजा हुआ है। तो हमने माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करी है कि एमडी साहब से सिफारिश करके वो बजट 40-45 लाख रुपये का उसको पास करवा दें। साथ में जितने हमारे 6 सबस्टेशन हैं उन पर एक एक एडिशनल ट्रांसफार्मर लगना है, उसके लिए भी थोड़ा जल्दी करके एडिशनल ट्रांसफार्मर।